दिल्ली के बाहरी उत्तरी जिले में साबाडेरी के अंदर रेप के आरोपी ने पुलिस पर की फायरिंग। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी को लगी पांव में गोली। दरअसल आरोपी ने 5 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप की घटना को दिया था अंजाम और पुलिस उसी रेप आरोपी को पकड़ने गई तो रेप आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। 2 राउंड फायरिंग आरोपी ने पुलिस पर की। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की जिसमें एक गोली आरोपी के पांव में लगी। आरोपी मोहम्मद अख्तर बंगाली झुग्गी साबा दौलतपुर का रहने वाला है। इसकी उम्र 28 साल है। फिलहाल पुलिस ने पकड़ लिया है। इसके पास से एक पिस्टल, 2 मोबाइल फोन और 2 खाली कारतूस बरामद हुए हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस जायसवाल और आप देख रहे हैं दिल्ली समाचार। मैं आपको बता दूं, एक ऐसी घटना सामने आई जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। 4 से 5 साल की युवती के साथ बलात्कार का मामला सामने आया, जहां पुलिस ने कथित तौर पे मामला दर्ज कर आरोपी को पकड़ने की कोशिश की। महज आरोपी ने उल्टा दिल्ली पुलिस पे ताबड़तोड़ फायरिंग की। वहीं फायरिंग के दौरान पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में जब उन्होंने गोली चलाई तो आरोपी के घुटनों में लग गई। वहीं आनल फानल में उसे नज़दीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के तौर पे फिलहाल वो हॉस्पिटल के अंदर है। कई धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ थाना सावा डेरी के अंदर और इस दौरान जो है युवती फिलहाल अभी जो है दिल्ली के हॉस्पिटल में भर्ती है। दिनांक 9 तारीख को शाहबाद थानागत क्षेत्र से एक बच्ची जिसकी उम्र 5 साल थी लापता हुई। अगले दिन सुबह लावारिस हालत में एक पड़ोसी को मिली जिसने इसे अपने घर पहुंचाया। बाद के मेडिकल एग्जामिनेशन के दौरान ये सामने आया कि सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। इस अत्यंत ही जघन्य अपराध के संज्ञान में आते ही इमीडिएटली स्पेशल टीम्स बना दी गई और मुजरिम की तलाश बड़े ही जोरों शोरों के साथ में चालू कर दी गई। अंततः यह मालूम हुआ कि मोहम्मद अख्तर नाम के व्यक्ति ने, जो उसी एरिया का रहने वाला है, उम्र 28 साल है, 2 शादी कर चुका है, वो उसमें इन्वॉल्व था और अपने पास में एक इलीगल असला भी रखता है। फर्दर कार्रवाई के दौरान जब इसे इंटरसेप्ट किया गया एक गुप्त सूचना के आधार पर, तो इसने पुलिस पार्टी पर फायरिंग करी। 2 राउंड फायर किए। रिटेलिएशन के अंदर पुलिस पार्टी को भी फायर करना पड़ा और इस कार्रवाई के अंदर एक गोली इसके घुटने नी के अंदर लगी, लेकिन इसकी हालत अब खतरे से बाहर है और इसे अस्पताल के अंदर रेफर कर दिया।